नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोयोटा इनोवा और ये इनोवा का जी प्लस वेरिएंट है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी इसके जो फीचर्स हैं वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंजन ऑप्शन। इंजन ऑप्शन इसमें 2.4 लीटर का डीजल हमें इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि पावर जनरेट करता है 148 BHP की, और जो टॉर्क जनरेट होता है वो है 343 न्यूटन मीटर का। तो ये 7 सीटर इसका वेरिएंट है। तो 7 सीटर के मामले में ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जूरियस गाड़ी है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में इससे ज़्यादा लग्जूरियस हो सकती है लेकिन इतनी कंफर्टेबल और इतनी रिलायबल ब्रांड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है और अगर आपको इससे कोई बेहतर गाड़ी लगती है या आपकी भी ये फेवरेट गाड़ी है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करें। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 18.5 लाख रुपए जो इसका एक शोरूम प्राइस है हरियाणा के अंदर, उस हिसाब से ये अपनी हर चीज़ को जस्टिफाई करती है। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स। अब फ्रंट से अगर इसमें देखें तो फ्रंट में हमें जो एक ग्रिल है ये पूरी ब्लैक मिल जाती है, और इसके साथ साथ ही यहाँ ये आपको कंप्लीट सिल्वर फिनिश मिलेगा वहाँ तक, और नीचे इसमें फॉग लैंप आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और नीचे ये दी हुई है इसमें यहाँ ग्रिल, और यहाँ नंबर प्लेट की जगह दी हुई है। इसके साथ साथ ही यहाँ इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, और इंडिकेटर इसमें इंटीग्रेटेड है, और बाहर यह हाउसिंग दी हुई है ब्लैक कलर की जो कि इसे थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देती है, क्योंकि ग्रिल के साथ ये थोड़ा मैच कर जाती है। अगर बात करें हेडलैम्प की तो हमें ड्यूअल बैरल हेडलैम्प इसमें मिलते हैं, तो इसमें हेलोजन ही हमें देखने को मिलेंगे, ये लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, और यहाँ हमें कॉर्निंग फंक्शन भी देखने को मिलता है, तो कॉर्निंग लाइट भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी इसमें। बाकी कट्स एंड क्रीजेज इसके काफ़ी बेहतरीन है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड में देखें तो इसमें आपको यहाँ अलॉय व्हील मिल जाएंगे देखने को, और अलॉय व्हील इसमें मशीन कट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। और अगर टायर साइज़ की मैं बात करूं तो 205/65R16 मतलब 16 इंच के आपको व्हील मिल जाएंगे, और जो कि गाड़ी के प्रोपोर्शन में काफ़ी ठीक हैं। लेकिन जो टॉप एंड वेरिएंट में टायर आते हैं वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर लगते हैं, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में ये आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं ऊपर ORVM की, तो ORVM में आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बाकी आपको साइड से कुछ ऐसी देखने को ये मिलेगी, तो साइड से आपके जो कंप्लीट लुक है वो कुछ ऐसी है। अब इसके अंदर चलें, उससे पहले मैं आपको एक बार इसकी की दिखा देता हूँ कि इसकी चाबी कैसी आती है। तो अगर चाबी की इसमें बात करें तो ऐसी आपको इसमें की देखने को मिलेगी, जिसमें कि दो ही बटन है, लॉक और अनलॉक, और इसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं आता, तो इसमें आपको जैक नाइफ फोल्ड की के साथ मिलती है, तो ऐसी आपको इसकी चाबी देखने को मिलेगी। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर। अब अगर हम गेट खोलते हैं तो हमें दिखता है कि ये कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर के साथ है, और इसमें थोड़े थोड़े से जो सिल्वर इंसर्ट हैं वो भी यूज़ किए गए हैं जो कि डैशबोर्ड में। सबसे पहले हम यहाँ डोर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो डोर से स्टार्ट करें तो यहाँ ये हैंडल दिए इसमें दिया हुआ है, और यहाँ ये पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और जो ड्राइवर साइड की जो पावर विंडो है वो इसमें ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ आती है। ये सभी डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए। इसमें ऑटो फोल्डेबल ORVM भी आते हैं, तो फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ, और एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ बटन इसमें मिल जाएंगे। अब बात करें अगर इनसाइड डोर हैंडल की, तो ये क्रोम फिनिश के साथ मिलता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और नीचे इसमें यहाँ स्पीकर आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ ही 1 लीटर की बॉटल की जगह, और बाकी काफ़ी सारी इसमें जगह यहाँ भी दी हुई है। अब अगर साइड में देखें तो यहाँ स्किड प्लेट आपको मिल जाएगी, तो स्किड प्लेट इसमें प्लास्टिक वाली देखने को मिलेगी, लेकिन टोयोटा की बैचिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और आपको जहाँ से जो बार बार चढ़ने उतरने में जो पेंट उतरने का डर रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब अगर सीट में देखें तो सीट में अवेलेबल है यहाँ हाइट एडजस्टर, तो आप इसमें अपने हिसाब से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। अब चल लेते हैं इसके अंदर। अंदर चलने से पहले एक बार कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। तो यहाँ ये बटन दिया हुआ है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, ये दिया हुआ है हुड ओपन करने के लिए, बोनट ओपन करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, ये पार्किंग ऑन ऑफ करने के लिए बटन, जो इसका की होल है ये आपको इल्यूमिनेटेड मिलेगा, जिससे कि आपको रात में आसानी हो जाती है की इंसर्ट करने के लिए। अब चलते हैं एक बार इसके अंदर। अगर बात करें सीट की, तो सीट इसमें हमें फैब्रिक की ही देखने को मिलेंगी, और ये इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें देखने को मिलेंगे, और ये इसमें है फैब्रिक की सीट। अगर बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की, तो नॉर्मल आपको ऐसा स्टेयरिंग व्हील इसमें देखने को मिलेगा, और यहाँ ये बीच में हॉर्न पैड, बाकी आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे कंट्रोल, ये वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए, ये आपका जो इंफोटेनमेंट है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, तो ये उसके चेंज करने के लिए, और ये मोड या म्यूट करने के लिए, और ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का बटन है, और नीचे आपको कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट के फंक्शन यहाँ मिलेंगे। राइट साइड में अगर बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा हेडलैम्प लेवलर, राइट साइड में अगर बात करें तो हेडलैम्प्स के कंट्रोल आपको यहाँ, और लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो इसके टॉप इन वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा आपको 3D लुक के साथ है, लेकिन इसमें आपको सिंपल ही देखने को मिलेगा। एक बार इसे ऑन करके देख लेते हैं तो ऐसी इसकी कुछ लुक आती है। अगर इसे ऑन कर लेते हैं तो यहाँ ये लेफ्ट साइड में टैकोमीटर दिया हुआ, टैकोमीटर के नीचे टेम्परेचर के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ ये दिया हुआ पूरा स्पीडोमीटर, और उसके नीचे फ्यूल के कंट्रोल, और यहाँ से हम अपनी जो ट्रिप वगैरह है इसे रीसेट कर सकते हैं, और एक छोटी MID जिसमें कि हमारी डिस्टेंस वगैरह और वो सभी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलेंगी। अब अगर AC वेंट की बात करें तो AC वेंट आपको यहाँ ये ऐसे देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ ही एक चीज़ और भी है कि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ये ग्लास होल्डर। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, इससे ना थोड़ा सा ये यहाँ बोतल रखी रहेगी AC के सामने या ग्लास रखा रहेगा तो वो ठंडा भी आसानी से हो जाएगा और उठाने में भी काफ़ी आसानी रहती है। अब आ जाते हैं इसके सेंटर में, और जो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिल्वर इंसर्ट है वो यहाँ ये पूरा ब्लैक है और ये बीच में सिल्वर इंसर्ट दिया हुआ है। ये सिल्वर इंसर्ट आपको यहाँ से और ये पूरी इसी गाड़ी में और यहाँ तक बस इस वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा इसका कुछ सिल्वर इंसर्ट है। इंफोटेनमेंट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, तो यहाँ आपको एक क्लॉक मिल जाती है, ये इनोवा में शुरू से ही मिलती है ये, और ये यार काफ़ी ठीक फीचर है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये देखने में और काफ़ी शानदार फीचर है। और यहाँ ये हैजार्ड लैंप और बाकी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये यहाँ आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और ये पूरी तरह से टच स्क्रीन है, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, मतलब आपको ऐसा कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ ये बाकी कंट्रोल्स है इसके, होम, ऑडियो, और ये वॉल्यूम प्लस माइनस और ऑन ऑफ के लिए। AC इसमें आपको मैनुअली मिलेगा, AC इसमें आपको ऑटो नहीं मिलेगा। तो मैनुअल AC उसके कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं, यहाँ से AC आप ऑन ऑफ, यहाँ से आप फैन स्पीड कम ज़्यादा, और यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। अगर इसके नीचे मैं बात करूँ तो इसके नीचे हमें मिल जाते हैं ड्राइवर साइड का जो एयर बैग है उसे ऑन ऑफ करने का हमारे पास फीचर है। वैसे ये ऑन रखना चाहिए, लेकिन अगर 12 साल से छोटा कोई बच्चा आप आगे सीट पर बैठा रहे हो तो उस केस में आपको ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। इको मोड और पावर मोड, इको मोड में थोड़ी सी आपको माइलेज अच्छी देगी और हल्की सी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन माइलेज अच्छी देगी। लेकिन पावर मोड में माइलेज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जो गाड़ी की फुल पावर है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, 12 वोल्ट की जो सॉकेट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके नीचे यहाँ मोबाइल वगैरह रखने के लिए जगह, मोबाइल या वॉलेट के लिए, और ये ऐसा इसका कुछ गियर नॉब है। तो ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो ऐसा इसका गियर नॉब ब्लैक कलर का, और यहाँ बीच में इसमें दी हुई है हैंड ब्रेक, और यहाँ एक ग्लास होल्डर। और अगर इसके बाद इसमें बात करूँ तो यहाँ ये दिया हुआ हैंड रेस्ट, और जो कि काफ़ी चौड़ा है, स्लाइडेबल तो नहीं है लेकिन हाँ चौड़ा बहुत है, कोई परेशानी नहीं आने वाली, दो बंदे आराम से हाथ रख के इस पर बैठ सकते हैं। और अगर इधर की बात करूं तो यहां से आप इसे प्रेस करके जो इसका ग्लव बॉक्स है इसे आप खोल सकते हो। तो यहां से ये बिल्कुल सीधा दे रखा है इसमें, मतलब और गाड़ियों की तरह नहीं है कि नीचे दे रखा है, इसमें यहां बिल्कुल फ्लैट दे रखा है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हां आप ज़रूरत का सामान इसमें रख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये इसका ORVM, तो ORVM आपको मैनुअल एडजस्टेबल के साथ मिल जाएगा। और वहीं बात करें इसमें जो सनवाइज़र है तो वो आपको ड्राइवर साइड पे नॉर्मल देखने को मिलेगा, वहीं अगर को पैसेंजर साइड पे बात करूं तो वो आपको वैनिटी मिरर के साथ देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और बता देता हूं कि जी वेरिएंट में आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी मिल जाते हैं। और यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ मिल जाता है सनग्लास होल्डर, और यहाँ ये लाइट दी हुई है, तो ये भी येलो लाइट है इसमें, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो हुआ कंप्लीट फ्रंट का लुक, अब चलते हैं इसके रियर सीट पे। अभी अगर मैं बात करूँ तो मैंने इस सीट को बिल्कुल अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है कि मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और एक चीज़ और है कि आप इसका जो स्टेयरिंग है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब हाइट, टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों नीचे और ऊपर, और अपने पास तक भी इसे खींच सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, इस चीज़ का टोयोटा काफ़ी ध्यान रखती है शुरू से ही। तो अब चलते हैं एक बार पीछे और फिर मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। एक चीज़ और है जो सेफ्टी की है इसमें, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब जैसे यहाँ आपको इल्यूमिनेटेड दिख रही है, तो मतलब अगर ये खिड़की खुली हुई है और रात में या कोई दिन में पीछे से आ रहा है तो आप उसे ये क्लियर विज़न होगा कि हाँ आगे कोई चीज़ खुली हुई है, और थोड़ा सा मतलब कुछ भी इंसिडेंट होने से बच सकता है। अब देख लेते हैं एक बार इसके रियर में,
तो जी वेरिएंट से इसमें जो कैप्टन सीट है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें भी कैप्टन सीट है। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डोर्स में, तो यहाँ पावर विंडो कंट्रोल, इनसाइड डोर हैंडल, ये वही क्रोम फिनिश में, और यहाँ से ये हैंडल है इसे पकड़ के खींचने के लिए। नीचे आपको मिल जाएंगे इसमें स्पीकर, यहाँ बोतल की जगह, और यहाँ भी आपको स्किड ब्लेड दी हुई है। हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ है इसमें। यहाँ भी आपको स्किड ब्लेड मिल जाएगी, फैब्रिक में ही आपको इसकी सीट मिलेंगी, और एक कैप्टन सीट के साथ आती है विद एडजस्टेबल हेड रेस्ट, ये काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ साथ ही इसमें इंडिविजुअल आर्मरेस्ट आता है, तो इंडिविजुअल आर्मरेस्ट होने की वजह से जो परेशानी होती है कि भाई एक दूसरे के हाथ रखने की, वो सभी ख़त्म हो जाती हैं। अब आगे हूँ मैं इसके अंदर, तो आप देखोगे कि इनोवा किस चीज़ के लिए पसंद करी जाती है। इनोवा देखो जगह, और नीचे भी मैं आराम से इसमें पैर फैला सकता हूँ। और उसके साथ ही आप यहाँ देखोगे ये ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, और यहाँ एसी, और एसी भी इसमें ऊपर दिया हुआ, और काफ़ी पावरफुल एसी है। और एसी को भी आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, लो और हाई जैसी आपकी ज़रूरत है। और यहाँ आपको इसमें वेंट मिल जाएगा, ये इसका ऐसा कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक है, तो ऐसा आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो कंफर्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत शानदार कंफर्ट है। और एक चीज़ और है, अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से आप 4 किलो तक का इसमें लोड लटका सकते हो, मतलब कोई भी जैसे कोई सामान है, कोई फल फ्रूट या कुछ भी, तो इसे आप प्रेस करके यहाँ से तो 4 किलो तक का सामान इसमें लटका सकते हो विदाउट एनी इश्यू। अब देख लेते हैं इसके रियर से, तो ऊपर इसमें शार्क फिन एंटीना, और यहाँ स्पॉइलर मिल जाएगा, और LED वाला इसमें हाई माउंट स्टॉप लैंप। इसके साथ साथ ही इसमें आपको रियर में वाइपर भी मिल जाएगा, जिसके कंट्रोल मैंने आपको आगे दिखाए थे। कैमरा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसमें यहाँ 4 पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, तो वो आप देख पा रहे हो, तो 4 पार्किंग सेंसर और यहाँ रिफ्लेक्टर। अब बात करें अगर इसके बूट की, तो ये ऐसा इसका कुछ बूट है, इल्यूमिनेटेड है, इसमें लाइट दी हुई है, और आप इसे चाहो तो इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ आप इसकी जो सीट बेल्ट है उन्हें टक इन कर सकते हो। और इसके साथ साथ ही इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो हेडरेस्ट है, आप जैसे इसकी ना सीट ये फोल्ड है, तो अगर आप इन्हें चाहो तो अनफोल्ड कर सकते हो, और अगर चाहो और आपको कोई सामान रखना तो इन्हें फोल्ड कर सकते हो। और जो इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं उन्हें आप ऐसे टक इन कर सकते हो, यहाँ ये आप यहाँ इसमें टक इन है, तो इसके लिए स्पेशल जगह दी हुई है, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो डिग्गी में ऐसे पड़े घूमेंगे, तो ऐसी कोई परेशानी आने नहीं वाली। हालांकि जो 7 सीटर गाड़ी होती है उनमें ज़्यादा जगह बचती नहीं है, लेकिन लगभग आप लगाओ कि यहाँ से इतनी सी जगह आपको मिलेगी, तो बैग को खड़े करके आप रख सकते हो, ज़्यादा जगह तो इसमें नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके टेल लैंप की, तो नॉर्मल आपको टेल लैंप देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था इनोवा क्रिस्टा, का जी वेरिएंट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।